Assalamu alaikum viewers, I am Akilur Rahman and you are watching NIST Academy. Aaj hamara topic hai branches of biology. Humne pehli 6 branches humne pichle 2 parts mein discuss kar li hain. Pehle part mein humne 3 branches discuss ki thi aur next part mein humne further 3 branches discuss ki thi. हम मॉर्फोलॉजी से लेकर जेनेटिक्स तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारे पास फर्दर 3 ब्रांचेस हैं, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड पैलियंटोलॉजी. तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन 3 ब्रांचेस के बारे में कम्प्लीटली जो है ना इनका इसका कंसेप्ट जो है इन ब्रांचेस का मैं आपको समझा सकूं. पहले नंबर पे बात करते हैं हम पहली ब्रांच की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कोई भी हमसे ये पूछता है कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, तो हम उसे यही बताएंगे कि एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. अब जब हमने उसे ये बता दिया कि ये बायोलॉजी की ब्रांच है, तो ऑटोमेटिकली ये बात अंडरस्टूड है कि हम इसमें लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे. लेकिन एक क्वेश्चन रेज होता है कि लिविंग थिंग्स को स्टडी तो करेंगे, लेकिन लिविंग थिंग्स के कौन से टॉपिक्स को, कौन से सब्जेक्ट्स को, कौन से पोर्शन को स्टडी करेंगे, क्योंकि हर ब्रांच जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं और डिफरेंट ही उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं ब्रांचेस की. तो इस ब्रांच की क्या स्पेसिफिकेशन है ये भी हमें बताना पड़ेगा. तो इस ब्रांच की स्पेसिफिकेशन ये है कि ये एम्ब्रियोलॉजी जो है ये एम्ब्रियो को स्टडी करती है. अब एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है, यानी कि उसके जो जितने स्टेजेस हैं डेवलप होने के इनटू न्यू इंडिविजुअल, नया जानदार बनने तक के, उस सब को हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, पहले नंबर पे इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दूसरे नंबर पे ये है कि ये स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, तीसरे नंबर पे ये है कि ये स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल है. अब हमने ये बताना है कि एम्ब्रियो क्या है, क्योंकि ये हमें अब बताना जरूरी है कि ब्रांच हमने बता दिया कि ये बायोलॉजी की है, हमने ये भी बता दिया कि इसमें लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, हमने ये भी बता दिया कि हम एम्ब्रियो से लेकर जो न्यू इंडिविजुअल का जो प्रोसेस है उस सारे प्रोसेस को हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं. लेकिन बात यहाँ पे पूरी नहीं होती, हमें एम्ब्रियो का पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो क्या है, कि एम्ब्रियो से लेकर न्यू इंडिविजुअल जो बनता है वो हमें एम्ब्रियो का पता होगा, तो फिर हम उस स्टेजेस के बारे में हम मजीद आगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर जब हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगे तो हम समझ सकेंगे. तो मैं मुख्तसरन यानी कि आपको एम्ब्रियो बताता हूं. एम्ब्रियो इज द टिनी एनिमल, टिनी ऑर्गेनिज्म, एक छोटा जानदार है, नन्हा जानदार है, नन्हा, जिसे मैं कह सकता हूं कच्चा बच्चा, यानी जिस जो अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ पर होता है, जो अभी स्टार्ट इनिशियल उसका हो रहा होता है, ग्रो करना वो स्टार्ट करता है, एक मतलब स्टार्ट करता है. तो अब उस इनिशियल ग्रोथ वाले ऑर्गेनिज्म से लेकर जब वो पूरा जानदार, यानी कि पूरा एक कंप्लीट जानदार बन जाता है, जब हमें लगता है कि ये होल एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म बन गया है, इस सारे प्रोसेस को हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी. अब क्योंकि जो वर्ड टैक्सोनॉमी है ये कंबिनेशन है दो वर्ड्स का, यानी टैक्सोनॉमी. अब टैक्सोन आपने सुना होगा कि ग्रुप को कहते हैं, टैक्सा ज्यादातर ज्यादा सारे ग्रुप्स, नॉमी नेमिंग शो हो रहा है, नेमिंग यानी नाम देना. अब टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच हुई जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स के अंदर, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स की इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, फिर हम उनको नाम भी देते हैं. जो हम ग्रुप्स बनाते हैं ना, छोटे ग्रुप बनाते हैं या बड़े ग्रुप बनाते हैं, फिर हम उनको नाम भी देते हैं. तो जो ग्रुप्स जानदारों के बनाए जाते हैं, फिर उनको जो नाम दिए जाते हैं, ये जो सारी स्टडी है ये हम इस ब्रांच के अंदर करते हैं. यानी ये जो ब्रांच है ये स्पेसिफाई है किस लिए, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये लिविंग थिंग्स के जो ग्रुप्स
बनाए जाते हैं, यानी जो ग्रुप बंदी है उसकी और उनके जो ग्रुप्स के नाम दिए जाते हैं, उन सारी चीजों को ये स्टडी करते हैं। तीसरे नंबर पे आज हमारे पास है पैलियंटोलॉजी। अब पैलियंटोलॉजी भी इसी तरह, जैसा कि अब हम 8 ब्रांचेस कर चुके हैं तो ये 9वीं ब्रांच है, तो ये भी हमें यानी कि इजीली हम बता सकते हैं कि ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की। अब इसकी भी स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, अब इसकी क्या स्पेसिफिकेशन ये है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये फॉसिल्स की स्टडी है, यानी इसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो हम फॉसिल्स की करते हैं। यानी जो फॉसिल्स क्या है, अब फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये जानदारों के बाकियात हैं। यानी अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि डायनासोर आजकल नहीं है, दुनिया से खत्म हो चुके हैं, नापेद हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ये उनके जो बचे हुए बाकियात हैं, जो बची हुई चीजें हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, यानी बोन्स हो गई या किसी पौधे के कोई बाकियात, यानी उसकी कोई आपको मिल जाते हैं, उनके प्लांट के लीव्स या कोई उसका पार्ट, कोई टिश्यू, यानी जो भी इस दुनिया से स्पीशी खत्म हो चुकी है ना, उसके अगर रिमेनिंग्स हमें कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं तो हम उनको फॉसिल्स का नाम देते हैं। तो ये जो ब्रांच है ये स्पेसिफाई है फॉर द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स की स्टडी के बारे में। तो ये आज हमने 3 ब्रांचेस को सीखा, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी और पैलियंटोलॉजी, और ये तीनों ही स्पेसिफाई हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी, सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने के लिए। जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी है, वो एक एम्ब्रियो से लेकर न्यू इंडिविजुअल का जो प्रोसेस है उसको स्टडी करने के लिए है। टैक्सोनॉमी जो है वो लिविंग थिंग्स के ग्रुप्स बनाने और फिर उनके नाम देने की स्टडी है। और इस तरह पैलियंटोलॉजी यानी कि फॉसिल्स की स्टडी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नई वीडियो, नए लेक्चर के अंदर हम मजीद 3 ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आपको नई वीडियोस, नए लेक्चर्स के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप तक ये जो आने वाली जो मजीद हम ब्रांचेस डिस्कस करने चलेंगे तो उसके बारे में आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।